हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 10, जिसका नाम है बस की यात्रा। बच्चों, ये जो लेसन है ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है और इस लेसन में लेखक ने एक व्यंग किया है, मतलब ये एक व्यंगनात्मक लेसन है, एक व्यंग है ये। तो जो लेसन है, इस लेसन में जो राइटर है वो नगर निगम की बस से यात्रा कर रहे हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो इस लेसन में जो लेखक है वो उस नगर निगम की बस पर व्यंग कर बैठते हैं और उसी व्यंग को इन्होंने यहाँ पर साझा किया है, अपने अनुभव को एक व्यंग रूप दे करके उन्होंने इस लेसन में साझा किया है। लेट्स बिगिन द लेसन। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम के 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बसें सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो इस पैराग्राफ में जो लेखक है वो बताते हैं कि वो 5 लोग हैं और शाम की 4 बजे की बस से वो यात्रा कर रहे हैं, जो कि सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है और जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। उनकी प्लानिंग ये है कि वो सुबह घर पहुंच जाएंगे और उनमें से 2 लोगों को वापस अपनी ड्यूटी पर भी आना है, इसीलिए उन्होंने यही बस, मतलब यही रास्ता अपनाना जरूरी समझा, उस बस से जाना जरूरी समझा। लेकिन लोग यह एडवाइस देते हैं, यह बताते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं, यात्रा नहीं करते हैं। जो लेखक है वो पूछते हैं क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। वो जो लोग हैं आप कहते हैं कि नहीं, डाकू तो नहीं मिलते रास्ते में, लेकिन जो बस है ना वो डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफर करना नहीं चाहते थे कि वयोवृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो वयोवृद्ध का अर्थ होता बहुत ज्यादा पुरानी, जो बिल्कुल भी चलने की अवस्था में ना हो। तो जो लेखक है वो बताते हैं कि उस बस को देख करके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। वह बस इतनी ज्यादा पुरानी थी कि उसकी तो बस पूजा की जा सकती थी। क्योंकि कई सालों से वो चल रही थी, सदियों से चल रही थी, तो उस पर निशान पड़ गए थे। इसलिए जो बस थी ये बहुत ज़्यादा वृद्ध थी, बहुत ज़्यादा पुरानी थी और इससे सफ़र करना इसलिए सही नहीं समझते था वो लेखक, क्योंकि वृद्ध अवस्था में बिचारी पर कष्ट होगा, वो केवल पूजने के योग्य ही है, केवल उसकी पूजा की जा सकती है और जिस चीज़ की पूजा की जाती है उस पर भला सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। बस कंपनी के हिस्सेदार थे जो उसी बस में सफर कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, आप अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो जो बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे उनसे पूछ लिया लेखक ने कि ये बस चलती भी है? वो बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं चलती है, अभी चलेगी देखो। अब जो लेखक है फिर मजाकिया मूड में उनसे पूछ लेते हैं, वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है। कहते हैं, हाँ अपने आप चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी।
जो हमारे मित्र थे, डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप डरो मत, हम डर रहे थे उस बस में चढ़ते हुए, लेखक बताते हैं। लेकिन जो हमारे एक डॉक्टर मित्र हैं वो बताते हैं कि डरो मत, ये बस बहुत एक्सपीरियंस बस है, बहुत अनुभवी बस है। जो नई नई बसें होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा इस पर विश्वास किया जा सकता है। यह हमें अपने बेटों के समान अपनी गोद में बिठा करके ले चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए, निमित्त चाहिए। तो जब हम उस मतलब हम उस बस में बैठ गए थे, तो जो लोग हमें वहाँ छोड़ने के लिए आए थे वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम मरने जा रहे हों, जैसे हमारी अंतिम विदाई, हमें अंतिम विदाई वो दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, अगर कोई इंसान आता है तो उसको जाना भी पड़ता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई दुनिया में आता है तो वो जाएगा भी। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए, निमित्त मतलब एक कारण, एक साधन। आदमी को कोई भी व्यक्ति है उसको जाने के लिए एक एक उसके जाने का एक कारण होना चाहिए। और लेखक को मिल गया था एक बस। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं, कांच बहुत कम बचे हैं, जो बचे थे कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो जो बस थी वो सच में स्टार्ट हो गई, जो इंजन था उसका वो स्टार्ट हो गया, और हमें ऐसा लग रहा था, लेखक बताते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। उस बस में कुछ ही कांच के टुकड़े बचे हुए थे, और जो बचे हुए थे वो बहुत खतरनाक थे, उनसे बचना बहुत जरूरी था। और जो लेखक हैं वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी सीट के नीचे ही इंजन आ गया है। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे उस समय की बस को ये बता रहे हैं कि उस समय यह जरूर जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब असहयोग लग रहा था कि जैसे कभी तो लग रहा था कि सीट बॉडी से आगे जा रही है, और कभी लग रहा था मतलब सीट जो है वो बॉडी से निकलने वाली है, कभी लग रहा था कि जो सीट है वो बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, ऐसे आगे पीछे उसमें चल रहा था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। हमें ये नहीं पता चल रहा था कि सीट के ऊपर हम बैठे हैं या फिर सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को मुंह में माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। जो बस थी वो थक कर रुक गई, ऐसा मालूम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया है। अब जो ड्राइवर था वह बाल्टी से पेट्रोल निकालकर बगल में रखी हुई नली को इंजन में डाल करके तेल उसमें भरने लगा,
और जो अब मतलब जो लेखक है वो कहते हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो इंजन को अपनी गोद में लेकर के इस तरीके से उसमें पेट्रोल डालेंगे जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को दूध की शीशी लगाकर दूध पिलाती है। ठीक है, अब जो बस की रफ्तार है वो 15-20 मील हो गई थी और जो लेखक बताते हैं कि अब उनको उसके किसी भी हिस्से पर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, उसके बस ब्रेक फेल हो सकते थे, स्टेयरिंग उसका टूट भी सकता था, कुछ भी हो सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगाए लगा जाएगी। जो प्रकृति का दृश्य था वो बहुत सुंदर था, बहुत लुभावना था, लेकिन मुझे जो पेड़ थे वो मुझे दुश्मन लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जो बस है वो पेड़ में टकरा जाएगी, एक पेड़ गुजरता फिर दूसरे पेड़ का इंतजार करते, ऐसे ही झील झील में तो ऐसा लग रहा था कि जो बस है वो अभी गोता खा जाएगी, अभी उसके अंदर डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। जो बस है वो फिर रुक गई थी। और जो ड्राइवर था वो उसको चलाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा था, और जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो फिर भी उसकी बड़ाई कर रहे थे कि जो बस है वो फर्स्ट क्लास है, एकदम बहुत अच्छी है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि आज ये चल नहीं रही है। शायद लेखक उसके अंदर बैठ गए थे इसलिए वो बस चल नहीं रही थी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण होती है हल्की हल्की चांदनी में, हल्की हल्की चांदनी में जो पेड़ों की छाया उस पर पड़ रही थी उसमें जो बस है उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय लग रही थी, उस पर दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस वियावान में हमें इसकी अंत्योष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। तो हल्की हल्की चांदनी में हमें बस की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा दयनीय लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई वृद्ध महिला थक करके बैठ जाती है, और हमें खुद पर ग्लानि हो रही थी, खुद पर अफसोस हो रहा था कि हम उस बेचारी बस में, इतनी बूढ़ी सी बस में बैठकर चले आ रहे हैं, कहीं इसके प्राणांत, कहीं ये मर ना जाए, और अगर ये मर गई तो हमें इतने बियाबान जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, इसका दाह कर्म करना पड़ेगा। हिस्सेदार जो थे उन्होंने इंजन खोला, कुछ सुधारा और बस फिर से चल गई, और उसकी जो चाल थी वो और भी ज्यादा धीमी हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब उसकी जो लाइट थी वो बुझने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और जो क्योंकि उसकी जो लाइट थी वो खत्म हो गई थी, वो पता नहीं कैसे कैसे रास्ते टटोल करके ढूंढ करके रेंग रही थी सड़क पर, और अगर कोई आगे पीछे से गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती, और जैसे वो खड़ी होती तो ऐसा लगता जैसे वो कह रही हो कि निकल जाओ बेटी निकल जाओ, अपनी तो उम्र ही नहीं रही ऐसी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब जो टायर था वो बेकार हो गया, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अब जो बस थी वो रुक गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, वह टायरों की हालत जानते थे फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान
भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। जो लेखक है वो बता रहे हैं कि वो जो बस है उसका एक टायर फट गया, जिससे बस जो है वो हिल करके, बहुत जोर से हिल करके रुक जाती है। अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड में होती तो सीधी उछल करके वो नाले में गिर जाती। और जो लेखक है वो अब बहुत ही श्रद्धा भाव से जो कंपनी के हिस्सेदार हैं उनकी तरफ देखते हैं, और क्योंकि वो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो जो टायर हैं उनकी हालत को जानते थे कि जो टायर हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार हैं, वो चलने की हालत में नहीं है। फिर भी वो अपनी जान हथेली पर लेकर के उस ही बस से यात्रा कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये जो आदमी है कंपनी का जो हिस्सेदार है, इसको किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। एक बस के लिए मतलब हम सबके सब मर जाते, लेकिन वह जो है उसने टायर नहीं बदले, इसलिए उसको एक क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर वो जो बस थी वो नाले में गिर जाती तो हम सारे के सारे मारे जाते और देवता हमारे बाहें पसारे इंतजार करते, बाहें फैला करके हमारा स्वागत करते, इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने टायर के लिए प्राण दे दिए। मतलब अपने प्राण तो दे दिए लेकिन वो बेकार टायर नहीं बदले। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, फिर भी बस के अंदर घिसा हुआ टायर ही लगाया गया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक में प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। जो ड्राइवर था उसने फिर से उस बस में घिसा हुआ टायर ही लगा दिया। अब जो लेखक है उन्होंने पन्ना जाने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी जाने की उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उस बस का तो पता ही नहीं था कि वो कहीं भी पहुंचा पाएगी या नहीं। जो लेखक है वो कहते हैं कि हमने तो यह मान लिया था कि हमारी जो जिंदगी है वो केवल इसी बस में गुजरनी है। हम इस बस से सीधे उस लोक में पहुंच जाएंगे, प्रस्थान कर जाएंगे, मर जाएंगे। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। इस बस की इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। हमारी इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। हम सीधे दूसरे लोक में प्रस्थान कर जाएंगे। हमारी जो थी बेताबी या फिर तनाव, चिंता, वो सब खत्म हो गई। हम बड़े आराम से घर की तरह उस बस में बैठ गए और चिंता जो थी वो खत्म हो गई। हंसी मजाक चालू हो गया। लेकिन लेखक ने यात्रा के विवरण को यात्रा के समापन से पूर्व ही समाप्त कर दिया। यात्रा तो जारी है। तमाम उतार चढ़ावों, पेट्रोल की टंकी टंकी में छेद, इंजन में गड़बड़ी होना, रफ्तार का लगातार कटता जाना, एक टायर के फिस हो जाने के बावजूद यात्रा जारी रही। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी जो यात्रा थी वो जारी रही, यात्रा चलती रही। फिर भी लेखक की निराशा इस कथन से स्पष्ट है कि हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। ये जो सेंटेंस है, कथन है, इसमें लेखक की निराशा को दिखाया गया है। वो जो निराश हो जाते हैं क्योंकि उनको कहीं भी पहुंचने की उम्मीद नहीं रहती है। बस इतनी खराब होती है, उन्हें लगता है कि अब तो इनके प्राण निकलने निश्चित हैं। ऐसी बेचारगी में आखिर आदमी क्या कर सकता है? बदतर होते हालात और उनसे निजात पाने का कोई मार्ग नहीं होने पर एक ही चारा बचता है, समर्पण। लेखक के शब्दों में हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए,
हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक शुरू हो गया। तो जब लेखक को लगा कि अब तो हमारे प्राण बचे ही नहीं हैं, जितनी भी जिंदगी है वो इसी बस के अंदर गुजरनी है, तो फिर उनकी जो चिंता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वो खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं। उनकी जो चिंता है, बेचैनी है, बेताबी है, सब कुछ खत्म हो जाती है और बड़े आराम से जैसे घर में बैठते हैं वैसे ही वो उस बस में बैठ जाते हैं। तो ये थी इस लेसन की कहानी, जिसमें जो लेखक है मतलब हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने नगर निगम की बसों पर एक व्यंग किया है। ये कॉमेडी है, बड़ा अच्छा लेसन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।